हे गाइस, दिस इज कश्मीर महाजनी एंड यू वाचिंग मी ऑन ई टाइम्स टीवी। झलक करने के पीछे एक ही रीज़न ये था कि झलक में हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं बार बार। हर एक परफॉर्मेंस के साथ आप कोई आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई एक नई स्टाइल सीख रहे हैं, कुछ ग्रोथ हो रही है एज एन आर्टिस्ट। सो दैट्स वाई झलक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिग बॉस तो मुझे नहीं लगता मैं कभी करूँगा। बहुत पहले नहीं बताया, 3 मीटिंग से पहले नहीं बताया, नहीं तो लो 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 करो 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 ऐसा शुरू हो जाता है। तो मैंने पहले सोचा, ठीक से बात की कलर्स की पूरी टीम के साथ, और जब ऐसा लगा कि उनके लिए भी मैं सही हूँ और मेरे लिए भी ये शो करना इस वक्त सही रहेगा, तो फिर उसके बाद मैंने घर पे बताया एंड दे आर तो लाइक करो करो। मेरी बीवी तो मतलब पूछो मत, क्योंकि वो इंडियन टेलीविजन की बहुत बड़ी फ़ैन रही है हमेशा से। मेरा रिएक्शन, पहले तो मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंज था बहुत सालों के बाद डांस करना, और बहुत से लोग आज तक बोल चुके हैं या मैं सुन चुका हूँ लोगों से कि ये बहुत अच्छा डांसर है, वॉटर डांसर है, तो हमें देखना है इसको टीवी पे डांस कर रहे हैं। और मैं वाकई में समझता हूँ मैं नहीं हूँ उतना अच्छा डांसर। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अभी मेहनत नहीं की तो पोल खुल जाएगी और जो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा डांसर है वो अगले 10 सालों तक सुनना पड़ेगा कि भाई इतना भी कुछ नहीं है, देख लिया हमने झलक में क्या किया उसने। तो वो मुझे एक चैलेंज लगा कि यार नहीं करते हैं। क्योंकि मैं था, मतलब मैं ठीक ठाक डांस कर लेता था जब मैं 16-17 की उम्र का था तब, लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने बिल्कुल डांस नहीं किया है और मैं पूरी तरह से दूर हो चुका हूँ डांस से, और मेरा पूरा शरीर स्टिफ हो चुका है, स्टैमिना चला गया है जो अभी वापस आ रहा है इस तरह से। तो मैं वो सब 16-17 या 20 की उम्र में जब भी मैं प्रोफेशनली डांस करता था, वो स्पेस में जाके मैं डांस फिर से करना चाहता था। तो झलक ये सही मंच है वो करने के लिए। डरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब हम में से कोई भी अगर एक दूसरे से डरेगा तो डर से आप और ख़राब ही करोगे अपना परफॉर्मेंस। हाँ, सतर्क आपको रहना है इस बात को लेके कि आप अकेले नहीं हो जो मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैं समझ चुका हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ इस मंच पर जो बहुत मेहनत कर रहा है। ये सारे के सारे जो परफॉर्म कर रहे हैं, 12 लोग, ये सारे अपनी जान डाल के मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं पे मेहनत में चूकना नहीं है, कहीं पे उसमें आगे पीछे नहीं होना है, ये हमेशा मुझे जहन में रखना है। क्योंकि पहला एपिसोड शूट होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यार हर कोई जान डाल के काम कर रहा है, हर कोई यहाँ पे जीतने के लिए आया है, हर कोई अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ही आया है, कोई लाइटली नहीं ले रहा है इस शो को। तो वो जब मैंने देखा उनका स्पिरिट, अब कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, वो हर परफॉर्मेंस के दौरान अलग अलग चीज़ें होती रहती है, वो पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन हर कोई बहुत सीरियसली ले रहा है इस मंच को, ये मैंने देखा। तो मुझे कहीं पर भी किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है यहाँ पर। नहीं, उनसे डर से ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि वो कैसा उसको रिसीव करते हैं, क्या उस पर उनके कमेंट्स होते हैं। क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, जनता को कई बार मेजॉरिटी को लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ दिग्गज होते हैं जो कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको बता सकते हैं कि जो गलत जा रही है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है उनका पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो बहुत, उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत यूज रहा है, तो उनका जो टिप्स होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और वो सिर्फ इस शो तक सीमित नहीं रहेंगे। वो आगे चल के मैं अपने प्रोफेशन में जैसे जैसे काम करता रहूँगा वो चीज़ें मैं अप्लाई करता रहूँगा। तो वो एक अवसर है कुछ जानने का, जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव किया है, उनसे आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो वो तो आपके लिए मतलब सुनहरा क्षण होता है। वो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिग बॉस तो मुझे नहीं लगता मैं कभी करूँगा। बाकी रही बात दूसरे रियलिटी टीवी की, तो वो मैंने सोचा नहीं है। झलक करने के पीछे एक ही रीज़न ये था कि झलक में हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं बार बार। हर एक परफॉर्मेंस के साथ आप कोई आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई एक नई स्टाइल सीख रहे हैं, कुछ ग्रोथ हो रही है एज एन आर्टिस्ट। सो दैट्स वाई झलक। तो ये रियलिटी शो है या ये फिक्शन है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि सिंपल है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ इस शो की वजह से एज एन आर्टिस्ट। उसका मौका मुझे ये मंच दे रहा है, इसलिए मैं ये शो कर रहा हूँ। नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि रियलिटी शो का शूटिंग एक ही दिन होता है हफ्ते में और बाकी दिन आप रिहर्सल करते हो। तो मैं बाकी दिन रिहर्सल कर रहा हूँ, मेरा जो अगली वेब शो का शूटिंग है वो शुरू होने वाला है मंथ एंड को, तो तब तक मेरे पास बहुत वक्त है बीच में। और जो मैं दूसरे शो में जज कर रहा हूँ वो तो मुझे एक दिन जाके शूट करना है, सिर्फ उनके साथ एक दिन 12 घंटे शूट करके मुझे सिर्फ जजमेंट्स देने हैं या ओपिनियंस देने हैं। तो वो एक दिन छोड़ा तो बाकी के 6 दिन मेरे हाथ में हैं पूरी तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बहुत मैनेज करना पड़ रहा है या बहुत स्ट्रेन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, उनका ये मतलब पहले आया तभी मैं सोच रहा हूँ, बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा चल रहा, तो मैंने फैमिली को बताया, बहुत पहले नहीं बताया, 3 मीटिंग से पहले नहीं बताया, नहीं तो लो 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 करो 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 ऐसा शुरू हो जाता है। तो मैंने पहले सोचा, ठीक से बात की कलर्स की पूरी टीम के साथ, और जब ऐसा लगा कि उनके लिए भी मैं सही हूँ और मेरे लिए भी ये शो करना इस वक्त सही रहेगा,
तो फिर उसके बाद मैंने घर पे बताया एंड दे आर तो लाइक करो मेरी बीवी तो मतलब पूछो मत, क्योंकि वो इंडियन टेलीविजन की बहुत बड़ी फ़ैन रही है हमेशा से, रेगुलरली देखती रही। अभी हालांकि थोड़ा कम हो गया उसका देखना, लेकिन पहले तो बहुत देखती थी। और झलक तो मतलब उसने फर्स्ट सीजन से नौवें सीजन तक सारे सीजन देखे, सारे डांसेस उसको याद है, परफॉर्मेंसेस। तो सुपर एक्साइटेड है यार, वो पीछे पड़े हुए हैं कि कब हम सेट पे आके ऑडियंस में बैठ सकते हैं। क्या ही दूंगा इस वक्त, तो यही बोलूंगा कि भैया 3 सितंबर को शाम को कलर्स टीवी ऑन कीजिए, झलक दिखला जा देखिए, हम आपका ढेर सारा मनोरंजन करेंगे और आप भी हमारा टीआरपी बढ़ा के हमें और प्रोत्साहन दीजिए, और कुछ नहीं।